उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे दैनिक अमृत विचार अखबार के बरेली संस्करण का शनिवार को चौथा स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बरेली कॉलेज के हॉकी ग्राउंड में आयोजित स्टार नाइट में उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं वरिष्ठ अतिथियों में वन मंत्री अरुण कुमार, मत्स्य मंत्री संजय निषाद, बीजेपी के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद संतोष गंगवार, आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, मेयर उमेश गौतम बहेड़ी से, सपा विधायक अताउर रहमान भोजीपुरा से, सपा विधायक शहजिद इस्लाम अंसारी समेत बड़ी संख्या में तमाम नेता और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर केशव अग्रवाल और प्रति कुलाधिपति डॉक्टर अशोक अग्रवाल, अमृत विचार अखबार के समूह संपादक शंभुदयाल वाजपेयी समेत अन्य पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि समेत अन्य अतिथियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि अमृत विचार अखबार कम समय में जितनी तेजी से बढ़ा है वह प्रेरित करने वाला है। समाचार पत्र लगातार अपनी लेखनी से समाज को आईना दिखा रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी समाज के इस चौथे स्तंभ को मजबूत करने की है। इस दौरान यूपी सरकार के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अमृत विचार का संपादकीय लेखन उत्कृष्ट कोटि का है। एक बार छपे लेख ने उन्हें प्रेरित किया। वहीं इस अखबार में छपी खबर के सहारे कई सकारात्मक प्रयास भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन्हीं प्रोत्साहन के चलते विश्व मछुआ दिवस पर उत्तर प्रदेश अपने कार्यों के चलते प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद संतोष गंगवार ने अपने संबोधन में अमृत विचार अखबार की लेखन शैली को सराहा। उन्होंने कहा कि बढ़ती लोकप्रियता के बीच जल्द ही यह अखबार प्रदेश ही नहीं देश के पटल पर मुख्य भूमिका में होगा।